बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है पेटी कैश बुक। इससे पहले हमने जो टॉपिक अपना कंप्लीट किया था उसका नाम था कैश बुक। कैश बुक के टॉपिक को हमने मुकम्मल किया है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसके जो अनसॉल्व पेपर के सवालात थे उनको सॉल्व किया था, और तरतीब से हमने कोशिश ये की थी कि जिस हद तक और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुँचा दें। अब वो टॉपिक अपने अख्ताम को पहुँचा, उसके बाद आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक उसका नाम है पेटी कैश बुक। कैश बुक से ही कंसर्न है दरअसल ये, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर कैश के अंदर ये दोनों टॉपिक्स आते हैं। अकाउंटिंग फॉर कैश में हम पहले कैश बुक को स्टडी कर चुके हैं और अब हम पेटी कैश बुक को स्टडी करने जा रहे हैं। पेटी कैश बुक के बारे में पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि दरअसल ये होता इसमें क्या मतलब तरीक़ेकार होता है कि पेमेंट्स जो होती हैं वो क्या सिलसिला होता है उनका। पेटी नाम से जो जाहिर होता है, पेटी का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, यानी वो अखराजात जो बिज़नेस के अंदर होते हैं और छोटे छोटे खर्चे होते हैं। आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रैक्टिस होती है कि वो अपने बड़े खर्चों के लिए कैशियर को एक अलग एरिया दे देते हैं और एक अमाउंट मुख्तस हो जाती है, कैशियर वहाँ पर अपनी तवज्जो रखता है, और जो उसके अलावा छोटे छोटे से खर्चे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उन खर्चों को डील करने के लिए एक पेटी कैशियर को हायर किया जाता है, या कैशियर के अंडर में एक असिस्टेंट दे दिया जाता है, उसे पेटी कैशियर का नाम देते हैं। मगर गुजरते वक्त के साथ जहां बहुत सारे अखराजात की कटौती की गई है, अखराजात को कम किया गया, तो वहां यह खर्चा भी कम कर लिया गया कि क्या ज़रूरत है, कैशियर ही तमाम मामलात को निपटा दे। पेटी कैशियर तमाम वो अखराजात और वो मामलात को हैंडल करता है कि जो छोटे छोटे खर्चों से मुतालिक होते हैं। अब ये छोटे खर्चे क्या हैं, इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर आप एक कस्टमर को डील करते हैं और अब वो कस्टमर ऐसा है कि जो आपकी पास अक्सर और बेशतर आता रहता है और आपको उससे अपनी मार्केट बनानी है, तो आप क्या करते हैं, उसको कोई एंटरटेनमेंट या कोई जो है वो चाय या समोसे या जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसको ऑफर कर देते हैं। अब जब आप इस किस्म का कोई मतलब इवेंट करते हैं तो वो कस्टमर आपके लिए एक दिल में एक अच्छाई रखता है, लाजमन वो कहता है मेरी मेहमान नवाजी जो है यहाँ पर हुई है, तो वो कहीं ना कहीं एक नरम गोशा अपने दिल में आपके लिए पैदा उसके दिल में हो जाता है। तो इसलिए ये डीलिंग बढ़ाने का एक तरीक़ेकार होता है। अब वो जो आपने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई या चाय मंगवाई या जो उसके लिए जो भी सिलसिला पान सिगरेट वगैरह जो भी कुछ मंगवाया, तो वो खर्चा छोटा सा खर्चा है 200 300 400 रुपए का, तो वो आप कैशियर के बजाय पेटी कैशियर से लेते हैं खर्चा, ताकि उस खर्चे को आप आगे मतलब कर सकें। तो ये छोटे छोटे अखराजात, अब मिसाल के तौर पर आपका माल जो है वो आपकी दुकान से आपके गोडाउन तक जाना है, जब गोडाउन तक जाना है तो रास्ता ज़्यादा नहीं है, तो आपने एक कन्वेंस हायर करी, जो भी आपने मतलब लोडिंग सुजुकी हायर करी या जो भी गधा गाड़ी या जो भी अवेलेबल था उस एरिया में वो हायर करा और उसको कुछ पैसे दे दिए 200-300 रुपए, या रिक्शा हायर करा आपने 200-300 रुपए दे दिए। तो ये जो छोटे छोटे से अखराजात होते हैं, इसी तरह आपको अपने शहर से बाहर दूसरे ऑफिस में एक कोई पोस्ट करनी है लेटर की, कोई टेलीग्राम भिजवाना है, तो वो जो डाकखाने का खर्चा आएगा 300 रुपये 200 रुपये या 100 रुपये, तो ये तमाम छोटे छोटे से अखराजात होते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे होते हैं। या जो आपके पास आपने चौकीदार हायर किया हुआ है
उस चौकीदार को या गार्ड को कुछ छोटे मोटे पैसों की ज़रूरत है, वो आपने उसको पैसे दे दिए, तो ये तमाम अखराजात को भी लाजमन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये अखराजात वो होते हैं कि जिनका कोई बहुत ज़्यादा ख़ास कस्म का मतलब एरिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंसेस नहीं होते, तो इसलिए इनको हम क्या करते थे कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं और हम ये नाम देते हैं कि ये हमारे छोटे छोटे से खर्चे हैं जिस जो पेटी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उस पेटी एक्सपेंसेस की मुनासबत से एक रिकॉर्डिंग का तरीक़ाकार हमने वज़ा किया, उसको रिकॉर्ड करने की एक ख़ास जगह बनाई, उस जगह को पेटी कैश बुक या पेटी कैश बुक का नाम दिया गया। ठीक है, तो पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए दरअसल ये पेटी कैश बुक बनाई जाती है। अच्छा, एक बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक में हम ये चीज़ स्टडी कर रहे थे कि रिसीविंग कितनी हो रही है अमाउंट की, और यानी कैश का इनफ्लो कितना है और कैश का आउटफ्लो कितना है, ये दोनों बातें हमने रिकॉर्ड करी और उसके बाद हमने देखा फिजिकली कैश कितना मौजूद है। मगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में सिर्फ हमने पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना है, सिर्फ पेमेंट्स, जो छोटी छोटी पेमेंट्स होंगी उन अखराजात को हमने रिकॉर्ड करना है कि वो अखराजात किस मद में हो रहे हैं और उनका क्या सिलसिला है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई उन अखराजात के हवाले से कि जो इस पर्टिकुलर बुक में या पर्टिकुलर जो मतलब हम बनाएंगे कॉलम्स वगैरह उनमें रिकॉर्ड करेंगे। अब जो पेटी कैश बुक है उसका एक कॉलम्स किन किन मतलब उस पर डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो रिसीविंग होती है, इसका मतलब ये है कि आप जो खर्चे करने जा रहे हैं कंपनी के ही खर्चे होंगे, इदारे के खर्चे होंगे, उस दुकान के खर्चे होंगे या जिस जगह के खर्चे होंगे, लाजमन वो आपका तो नहीं है, वो ओनर का खर्चा है। ठीक है, वो ओनर का खर्चा है, तो ओनर जब तक आपके हाथ में कुछ पैसे नहीं देगा आप खर्च कैसे करेंगे। तो इस लिहाज से आपको कैशियर की जानिब से या ओनर की जानिब से कुछ अमाउंट रिसीव होती है। फॉर एग्जांपल 5000 आपको रिसीव हो जाते हैं, क्या आपको बोला गया भाई ये 5000 रुपए हैं और इस 5000 में पूरे महीने के जो भी खर्चात हों वो आपने मुकम्मल करने, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हमसे और ले लेना और अगर बच जाए तो हमें वापस दे देना। तो पहला कॉलम जो उसमें होता है वो होता है रिसीट्स का, यानी जो पैसे आपके पास आ गए। फिर हम डेट डाल देते हैं किस किस तारीख में जो खर्चे हुए हैं, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। इस डिस्क्रिप्शन को हम एक नाम और भी देते हैं पर्टिकुलर का, जो आपने अब तक अपने सवालात के अंदर लिखा है। डेबिट क्रेडिट जब जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तब भी पर्टिकुलर को यूज़ करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर एक ही बात है। फिर हम वाउचर नंबर देते हैं, वाउचर नंबर का मतलब होता है रेफरेंस नंबर। आमतौर पर आप क्या करते हैं कि कोई चीज़ ख़रीद कर लाते हैं, आपको इदारे ने कहा कि भाई आप जो है जा करके ये डाक करके आ जाएं, यानी कोरियर करके आ जाएं। ठीक है, तो कोरियर आपने करवा दिया तो उससे रसीद लेनी ज़रूरी है ताकि एविडेंस के तौर पर वो रसीद आप अपने इदारे में जमा कराएं कि भाई देखें ये रसीद मुझे फलानी कोरियर कंपनी से फलाने डाकखाने से मिली है, तो उसको वाउचर बोला जाता है एक जबान में, यानी उसकी बेस पर एक वाउचर बनता है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इस बात की तफसीलात होती हैं कि खर्चे की नौइयत क्या है। ठीक है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो इदारे की तरफ से बनता है और उसमें उस खर्चे की तफसीलात होती हैं जो खर्चा हुआ है, और फिर उसके साथ एक अटैचमेंट लगा दी जाती है रेफरेंस के तौर पर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने कोई कोरियर किया है तो उसकी एक रसीद होगी, वो बिल या रसीद उसके साथ अटैच कर दी जाती है, तो और उसके बाद वाउचर बना दिया गया भाई इसका ये खर्चा हुआ है। वाउचर बुक होती है और वाउचर बुक के ऊपर ये खर्चे लिखे जाते हैं। हर खर्चे का अलग वाउचर बनता है। ठीक है, अगर आपने किसी को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई, कुछ और सिलसिला इस तरह का किया, उसका अलग वाउचर बन जाएगा। आपने दफ्तर में काम कर रहे थे और अचानक से पेन वगैरह स्टेशनरी वगैरह की ज़रूरत पड़ गई, अब आपको बल्क में चूंकि जो परचेजिंग होती है वो एक अलग मैटर है, वो तो जब कभी होगी तो होगी, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग ज़रूरत है, तो आपने क्या करा किसी से मंगवा लिया और उसके जो खर्चे का सिलसिला था वो पेटी कैश से अदा कर दिया।
फोटोकॉपी करवानी थी आपको, वो फोटोकॉपी आपने पेटी कैश के खर्चे से करवा ली, तो उन सब की रसीद आपने बिल मंगवा लिया, आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया और जो है आपने पेट्रोल भरवा लिया या जो है आपने सीएनजी भरवा ली गाड़ी में और उसकी एक बिल आपने सीएनजी स्टेशन से या पेट्रोल पंप से ले लिया, तो जो जो खर्चा होगा उसका बिल या उसकी अटैचमेंट या उसकी रसीद साथ में ज़रूर होगी। वो एक एविडेंस होता है कि आपने जो खर्चा किया है वो उसी मद में किया है या नहीं, उतना ही किया है या नहीं। ठीक है, बाज़ुकात आप खर्चा करते हैं कि जी 300 रुपये का वाउचर बनवाते हैं, मालूम होने के जो रसीद आती है वो 250 रुपये की होती है, तो इस तरह के भी करप्शंस होते हैं। उस चीज़ को रोकथाम के लिए भी इस किस्म की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको जारी किया जाता है ताकि जो भी जालसाजी अगर हो भी रही है तो उसको भी पकड़ा जा सके। तो उस लिहाज से वाउचर नंबर हर वाउचर के ऊपर मौजूद होता है और एक अटैचमेंट साथ लगाई जाती है। अब पेमेंट्स की बात आती है, यानी मेजरली 1, 2, 3, 4 फिर पांचवा कॉलम होता है पेमेंट का। अब पेमेंट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, जब हम बनाएंगे इंशाल्लाह जब और वाजे होगी ये बात, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कन्वेंस का, पोस्टेज का, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है वो जो चाय और बिस्किट और ये सब खर्चे जो होने हैं, स्टेशनरी आपको मालूम है, मिसलिनियस में, यानी जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपके चौकीदार को या गार्ड को पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आपने उसको कुछ पैसे दे दिए कि भाई ठीक है तुम अपने पास रख लो कोई इमरजेंसी है, उसको अब कोई अकाउंट का नाम नहीं है, एडवांस टू चौकीदार है वो या एडवांस टू गार्ड है वो, उसका कोई नाम नहीं होता, तो उसको मिसलिनियस एक्सपेंस के अंदर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ भाई ये मिसलिनियस एक्सपेंस में ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो इस तरह ये जो पेटी कैश बुक है ये मेंटेन की जाती है और पेटी कैश बुक भी हर इदारे में हर जगह ही मेंटेन होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पेटी कैशियर ही मेंटेन करे, पेटी कैश बुक डिपार्टमेंट का कोई पर्सन भी मेंटेन कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, कोई इदारा है, वहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और वहाँ पर जो है हर डिपार्टमेंट अपना खर्चा अलग रिकॉर्ड कर रहा है, तो डिपार्टमेंट के किसी भी एक जो है वो फर्द को इस बात की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप पेटी कैश बुक को मेंटेन करेंगे, ज़रूरी नहीं कि पेटी कैशियर अलग से हायर किया जाए। ठीक है, तो इस तरह उस डिपार्टमेंट का छोटा छोटा जो खर्चा होता है वो लाजमन रिकॉर्ड हो जाता है और इस रिकॉर्डिंग के बाद फिर इन खर्चों की तफसीलात जो होती हैं वो वाउचर के ज़रिए मालूम की जाती हैं और वाउचर की अटैचमेंट के ज़रिए उसकी तस्दीक की जाती है कि वाकई ये खर्चा भी मौजूद है या नहीं है। तो इस लिहाज से फिर वो तमाम के तमाम जो हैं बिज़नेस के अंदर उन खर्चों को भी शामिल कर दिया जाता है, चूँकि वो बिज़नेस से ही रिलेटेड है, वो आपके कारोबार से ही रिलेटेड है या उसके काम से ही रिलेटेड है, तो इसलिए वो खर्चे भी शामिल हो जाते हैं। कैश बुक के अंदर जो पेमेंट्स आ रही हैं वो भी लाजमन शामिल होंगी। तो इस तरह ये हमारा जो बिज़नेस का एक्सपेंसिस का एरिया है उसमें और थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो हमने पेटी कैश के हवाले से डिस्कस किया कि पेटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है और पेटी कैश बनाने में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीक़ेकार से बनाई जाती है, कि इसके अंदर कुछ वाउचर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, बिल जो अटैचमेंट होती है वो लगानी ज़रूरी है और ये पेटी पेमेंट्स के लिए, पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट्स के लिए दरअसल ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पेटी यानी स्मॉल पेमेंट्स, और इसमें सिर्फ पेमेंट्स का ही जिक्र होता है, रिसीविंग का कोई जिक्र नहीं होता, एक बार की सिर्फ रिसीविंग होती है जो भी आपको खर्चे के लिए पैसे दिए जाते हैं और बस, उसके बाद सिर्फ आप अखराजात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 5,000 रुपये जो है वो लिए हैं और ख़र्चा हुआ आपका 4,000 रुपये का पूरे महीने का, तो आपके पास कितने बच गए, 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये क्या करेंगे, रूल के मुताबिक वापस दे देंगे आप अपने मालिक को या कैशियर को। अब क्या होगा, जैसी पहली तारीख आएगी लाजमन अगले दिन पहली तारीख है, आज 30 तारीख को आपने वापस दिया, अगले दिन पहली तारीख है, तो वो कैशियर क्या करेगा, ये 1,000 रुपये अपने पास रख लेगा या मालिक अपने पास 1,000 रुपये रख लेगा और मजीद 6,000 रुपये आपको दे देगा। तो इसका मतलब जो पैसे बच जाएंगे वो वापस कर देंगे, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, आप खर्चा कर लेंगे पूरे महीने का और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मजीद मांग लेंगे आप, तो जो मजीद मांगेंगे तो फिर वो अगेन रिसीविंग में आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी कैश दिया जाता है, कभी कभी चेक दे दिया जाता है, वो दोनों बारह इदारे का खर्चा है, चेक दे देंगे तो आप इदारे के बैंक अकाउंट से उसको कैश करवा लेंगे। ठीक है, तो बस ये तमाम कुछ जो है तफसीलात हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके सवालात को भी सॉल्व करेंगे और इसके सवालात की नौइयत क्या है, सवालात करने का तरीक़ेकार क्या है, इंशाल्लाह इस बात पर भी आपको अवेयरनेस मिलेगी और इसको भी हम डिस्कस करेंगे वक्त के साथ साथ जो भी टर्मिनोलॉजीज़ मज़ीद आएंगी। अस्सलामुअलैकुम।